हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टीएस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 10, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 44। ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इश्यूड 6,008% डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम इन इक्वल प्रपोर्शंस एट द एंड ऑफ 5, 10 एंड 15 ईयर्स। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं लेकिन उनका रिडम्पशन है 5 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर एंड 15 ईयर्स आफ्टर। और जब कंपनी रिडीम करेगी डिबेंचर्स को तो 5% प्रीमियम पर है। यही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है जिसे हमें राइट ऑफ करना है, लेकिन ये पहले ही साल राइट ऑफ किया जाएगा, ना कि इन सालों का इंतजार करना है। फाइन, सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज। सो सॉल्यूशन 44 इन द बुक्स ऑफ राहा लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2018 डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2.8% डिबेंचर्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नाउ हाउ मेनी डिबेंचर्स वी आर हैविंग? देर आर 6,000 डिबेंचर्स और हर डिबेंचर की कीमत ₹100 है फेस वैल्यू। और सो ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख रुपीज। बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नाउ वी विल ट्रांसफर दिस टू डिबेंचर अकाउंट ऑन द सेम डेट 1/1/18। सो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। सो ये 6 लाख के डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं तो ये हम लिखेंगे 6 लाख रुपीज। लेकिन रिडम्पशन का कंडीशन में जो लॉस जनरेट हो रहा है उसे भी हमें अभी ही लिखना होगा। फाइन, सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये एक लायबिलिटी है, इसलिए हम इसे क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्योंकि ये पैसा हमें रिडम्पशन के समय देना है और उसको हम अभी से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड देयरफॉर इट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। और हाउ मच इज द प्रीमियम? 5% प्रीमियम, मतलब 6 लाख फेस वैल्यू का 5%। सो इट विल बी ₹30,000, क्योंकि कंपनी जब रिडीम करेगी डिबेंचर्स को 6 लाख रुपीज वापस देने के बदले 6,30,000 रुपीज देगी वापस। सो ये जो 30,000 रुपीज है कंपनी के लिए लॉस है। सो इस लॉस को भी हम अभी ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको डेबिट में, क्योंकि लॉस है इसलिए डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट। सो इसी लॉस को हम डेबिट भी कर देंगे 30,000। और क्योंकि अलॉट हो रहा है, मतलब अप्लाई भी किया गया है और अलॉट भी किया गया है, ये एडजस्टमेंट जो है हमें हमेशा अलॉटमेंट के समय ही करना है। फाइन, सो ये लमसम में कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है,
सो हम सेकेंड एंट्री में ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन करेंगे। नरेशन, बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। रीपेएबल एट 5% प्रीमियम। नाउ ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसे हमें राइट ऑफ करना है। सो 31 मार्च को 2018 इसी साल, क्योंकि डिबेंचर इसी साल अलॉट हुए हैं इसलिए हम इसी साल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, उन्हें हम डेबिट करके यूज करेंगे, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम में ज़्यादा अमाउंट है नहीं, यहाँ सिर्फ 10,000 रुपीज़ है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम पूरा 10,000 यूज़ करेंगे, और क्योंकि 30,000 रुपीज़ लॉस है इसलिए बाकी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड रिमेनिंग 20,000, और राइट ऑफ कर देंगे टू लॉस ऑन इश्यू of 8% debentures 30,000 being loss written off. So this is the solution for question number 44. Now let us see question number 45. ग्लोबल लिमिटेड इश्यूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स फ्रॉम द एंड ऑफ 3 ईयर्स, फ्रॉम द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹9। नाउ यहाँ हालांकि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है जो कि 3 साल बाद से रिडीम होना शुरू होगा, और रिडम्पशन के समय भी कंपनी ₹9 प्रीमियम दे रही है। 100 रुपीज़ पे 9 रुपीज़ मतलब 9% प्रीमियम है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंपनी के लिए लॉस होता है, इसे भी हमें इश्यू के समय ही एडजस्ट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमें सिर्फ राइटिंग ऑफ की एंट्री करनी है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 45 जर्नल ऑफ ग्लोबल लिमिटेड में हमें सिर्फ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को ही जर्नलाइज करना है, बाकी का एंट्री के बारे में क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। नाउ हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो है नहीं जिससे कि लॉस को राइट ऑफ किया जा सके, तो पूरा का पूरा लॉस का बर्डन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स। नाउ ऐसे कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर हैं, और हर डिबेंचर पर 9 रुपीज का लॉस है, मतलब 90,000 रुपीज का लॉस हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। क्योंकि हर लॉस डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हम लॉस को क्रेडिट करके क्लोज कर दिए। अब हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी बनाना है। सो लेजर में हम आएंगे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को के हम डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सो डेबिट में हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स।
क्योंकि ये जो लॉस जनरेट हुआ है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है, इसलिए डेबिट में हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹90,000। क्योंकि लॉस दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से होता है और दूसरा होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता तो हम यहाँ पर लिखते 2.8% डिबेंचर्स, ऐसा लिखते, क्योंकि डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ डिबेंचर्स फेस वैल्यू, इसलिए हम यहाँ लिखते 2.8% डिबेंचर्स। लेकिन ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से रिलेटेड है लॉस, इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स और इसे राइट ऑफ कर देंगे अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा 90,000 उसी साल में हमें राइट ऑफ करना होता है जिस साल डिबेंचर अलॉट किया जाता है। सो दिस वे द लॉस इज रिटर्न ऑफ एंड दिस इज द लेजर फॉर दिस। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 46। गर्वित लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3,011% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। सो ये एक लॉस है 6% ऑफ फेस वैल्यू। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,600 डिबेंचर्स। सो यहाँ क्या हो गया, डिबेंचर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड। डिबेंचर्स हैं 3,000 लेकिन एप्लीकेशंस आ गए हैं 3,600 डिबेंचर्स के लिए। सो एप्लीकेशंस फॉर 600 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। सो कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट करने के बदले 600 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थे उसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब एप्लीकेशन मनी वापस करना है। एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, डिबेंचर्स वेर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेट्स। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ गर्वित लिमिटेड। सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। सोल्यूशन 46, जर्नल ऑफ गर्वित लिमिटेड। हमें पहले डिबेंचर्स इश्यू करने हैं और उसके लिए एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड में 3,600 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस आए हैं जो हम 6% डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं, मतलब 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स है उसमें 6% छोड़ देंगे तो आएगा 94 रुपीज़ ही बैंक में रिसीव होगा। सो द अमाउंट इज 338,400 टू 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ कंपनी मांगी है इसलिए हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करना होता है। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशंस, नाउ अब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। वी विल ट्रांसफर दिस। सो 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिटेड कितना 338,400 और डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट भी होगा यहां, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 11% डिबेंचर्स। फाइन, दैट इज 27,000। कैसे 27,000, 3,000 डिबेंचर्स हैं और उन पर 9 रुपीज पर डिबेंचर 18,000, मतलब 3,000 डिबेंचर्स पर 6 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि हमने डिस्काउंट 6 रुपीज का दिया है। सो 3,000 डिबेंचर्स ही कंपनी इश्यू कर रही है। सो ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब ट्रांसफर करेंगे टू 11% डिबेंचर्स, 3,000 डिबेंचर्स ही हैं 100 रुपीज वाले। सो 3 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट
और जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है उसे हमें वापस करना है, मतलब 600 डिबेंचर्स का 94 रुपीज़, क्योंकि 94 रुपीज़ रिसीव किए थे तो 94 रुपीज़ ही हम वापस करेंगे, दैट इज 56,400 रुपीज़ वापस कर देंगे। फाइन, बीइंग इश्यू ऑफ 11% डिबेंचर्स एट 6% डिस्काउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं, तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। Being loss written off. So this is the solution for question number 46. Now let us see question number 47. On 1st June 2021, R Energy Limited issued 10,000 7% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the एंड ऑफ 5 years. नाउ कंपनी के पास दोनों ही लॉस है, 10% डिस्काउंट ऑन इश्यू है और दूसरा 10% है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ऑल द डिबेंचर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31st March 2022. सो हमें ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं इन्हें हमें बैलेंस शीट में शो करना है, सो लेट अस प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट. So solution 47, in the books of R Energy Limited, balance sheet extract हम show कर रहे हैं, liabilities के तरफ shareholders fund में reserve and surplus. Fine, इसका note हम बनाएंगे note to account में और कुछ amount हमें यहाँ लिखना है. Shareholders fund के बाद second head है non-current liabilities, इसमें हम show करेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स जिसे हम नोट टू में शो करेंगे और यह है 10 लाख रुपीज का. यह डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स आर शोन इन लॉन्ग टर्म डेट्स. अब हम इसको समझने के लिए नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे. नोट टू अकाउंट्स में पहला नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का, सो लेट अस प्रिपेयर में हमें शो करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें कितना अमाउंट है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, सो लेट अस टेक एन अननोन फिगर. इसमें हम लेस करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड दैट इज 7% डिबेंचर्स एंड 7% 10. So, ये कितना है 10 लाख रुपीज का 10% है. सो 10 लाख रुपीज का 10% 1 लाख रुपीज हम इसमें से लेस कर रहे हैं. और भी एक चीज लेस करना हमें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये भी 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स पर 10% है, सो इट इज अगेन 1 लाख रुपीज जो हम इसमें से लेस करेंगे. सो इस अमाउंट से, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी अमाउंट दिया हुआ नहीं है, यहां पर जो भी अमाउंट होगा उससे हमें ये दोनों अमाउंट को लेस करके जो बचा हुआ फिगर है उसे हमें बाहर लाना है, इसलिए अननोन फिगर ही हमने बैलेंस शीट में भी शो किया है. अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, ये तो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लायबिलिटीज की तरफ हम वर्क कर रहे हैं,
अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस होता है तो ये फिगर खुद निगेटिव होता है और इसे फिर हम लाइबिलिटीज़ के तरफ शो नहीं करते, इसे हम एसेट्स के तरफ शो करेंगे और वो अदर करेंट एसेट्स में शो होगा एसेट्स के तरफ, क्योंकि वो निगेटिव फिगर है। निगेटिव फिगर है मतलब डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम उसे एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स में शो करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव फिगर है, यहाँ पर फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसमें से राइट ऑफ करेंगे और जो रकम बचती है उसे हम बाहर लिखेंगे। और दूसरा नोट हमें बनाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। सो सेकेंड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं 7% डिबेंचर्स, ऑफ ₹100 ईच। नाउ हाउ मच इट इज 10,000। 10,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, सो ये आएगा 10 लाख रुपीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 47। Now let us see question number 48. On 1st April 2021, Solar Power Limited issued 10,008% debentures of ₹100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 years. Now यहाँ दो दो loss है हमारे लिए, company के लिए 5% है issue, discount on issue of debentures, और 15% है premium on redemption. Now all the debentures were subscribed and allotment was made. The company had a balance in securities premium of ₹80,000. Prepare the balance sheet extract as at 31st March 2022. So let us see the solution for this. So solution 48 के लिए हम पहले notes to account prepare करेंगे. Note 1 है reserve and surplus. Reserve and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹80,000। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट है ₹80,000 और इसमें से हमें लेस करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नाउ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। सो दोनों मिला करके देखें तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10 लाख का 5%, दैट इज ₹50,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो है 15%, सो वो हो गया 1,50,000। सो कितने का लॉस हो गया है, लॉस इज 2 लाख रुपीज, जिसे हमें इसमें से राइट ऑफ करना है। सो आउट ऑफ 2 लाख ओनली 80,000 कैन बी एडजस्टेड, फाइन। सो बाहर कुछ भी नहीं बचा है और बाकी का जो 1,20,000 है उसे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लियर करना है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी अमाउंट होता, यहां पर तो कोई भी अमाउंट नहीं दिख रहा है, जो भी अमाउंट होता उसमें से हम लेस कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फाइन, दैट इज 1,20,000। कुछ नहीं दिया है सो ये माइनस में आ गया 1,20,000, इसे हम नील मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, फाइन। अब ये क्योंकि निगेटिव हो गया है इसलिए हम इसे कहाँ शो करेंगे, अदर करेंट एसेट्स में शो करेंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस हो गया, फाइन। सो हम इसे एसेट्स के तरफ अदर करेंट एसेट्स में शो करेंगे एज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, फाइन। और दूसरा नोट टू अकाउंट है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें हम लॉन्ग टर्म डेट्स शो करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास है 10,008% डिबेंचर्स of ₹100 each, so ये हो गया 10 लाख रुपीज।
इन्हीं दो इंफॉर्मेशन को हमें बैलेंस शीट में शो करना है। नाउ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक्सट्रैक्ट ऑन 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज के तरफ हमें शो करना है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को हमने नोट वन में डिस्कस किया है, जो कि निगेटिव आ रहा है 1,20,000 रुपीज। फाइन। और दूसरा नोट है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि 10 लाख रुपीज का है। सो इस 1,20,000 को हम एसेट साइड अदर करंट एसेट्स में हम शो कर सकते हैं। सो 1,20,000, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। फाइन। सो इसे यहाँ ना लिख करके हम इसे अदर करंट एसेट्स में शो करेंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 49। ऑन 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू लिमिटेड इश्यूड 10,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सो यहाँ पर दोनों लॉस है, एक तो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देन दीज डिबेंचर्स वेर रिडीमेबल एज फॉलोज। ऑन 31 मार्च 2019 2,000 डिबेंचर्स। ऑन 31 मार्च 2020 5,000 डिबेंचर्स। ऑन 31 मार्च 2021 3,000 डिबेंचर्स। सो ये जो 10,000 डिबेंचर्स हैं, ये अलग अलग तारीख को रिडीम हुए हैं, मतलब इनका पैसा कंपनी ने वापस अलग अलग तारीख को दिया है, और वो भी विद प्रीमियम। फाइन। प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। सो लेट अस सी द लेजर फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 49 इन द बुक्स ऑफ मैथ्यू लिमिटेड। पहले हम बनाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स, क्योंकि लॉस है, डेबिट शो करेगा। ऑन विच डेट? 1 अप्रैल 2018। सो 1/4/18। फाइन। 2 9% डिबेंचर अकाउंट। ये कैसे है? 10,000 डिबेंचर्स हैं और डिस्काउंट है 5 रुपीज का। फाइन। सो ये हो गया 50,000 रुपीज का पहला लॉस है, और दूसरा लॉस भी उसी तारीख को है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये भी 10,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज है, ये 50,000। पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज का लॉस है, और इसे 31 मार्च 2019 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। उसी साल हमें राइट ऑफ करना है। रिडम्पशन चाहे जब भी हो, इस साल हो, अगले साल हो, 5 साल बाद हो, हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को जिस साल डिबेंचर अलॉट होते हैं उसी साल हमें उसे राइट ऑफ करना होता है। सो दिस इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ लेट अस कम टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर्स इशू हुए हैं 1/4/18 को, और डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी है, इसलिए हमें क्रेडिट साइड लिखना है बाय बैंक। बाय बैंक में आएगा 9,50,000 और बाय डिस्काउंट आएगा 50,000। सो इस तरीके से 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इश्यू किए गए हैं। सो ऑन 31 मार्च 2019 टू बैंक हम रिडीम कर देंगे 2,000 डिबेंचर्स। सो 2,000 × 100, सो 2 लाख रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम हो गए, और इसी तारीख को बच किया गया टू बैलेंस क्लोज डाउन, 8 लाख रुपीज का डिबेंचर्स बच गया, क्योंकि 10 लाख में से 2 लाख रिडीम हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 8 लाख। नाउ ऑन 1/4/2019 वी विल ब्रिंग इट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन इस 8 लाख को, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, हम इसे क्रेडिट साइड शो करेंगे।
देन सेकेंड रिडम्पशन है 31 मार्च 2020 को, सो 31 मार्च 2020 को दूसरा लॉट हम रिडीम करेंगे 5,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले, जो कि यही हैं, इन्हीं में से हैं, 5 लाख रुपीज़ रिडीम हो जाएगा। और इसी तारीख को टू बैलेंस क्लोज डाउन बच जाएगा 3 लाख का। फाइन, अब हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे 1/4 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इस 3 लाख को यहाँ लिखेंगे। और इसे हमें रिडीम करना है इस साल के एंड में, दैट इज 31 मार्च 2021 को टू बैंक। सो बाकी के जितने भी बचे हैं 3,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले, मतलब 3 लाख के डिबेंचर्स हम इस दिन रिडीम कर देंगे। सो दिस इज हाउ डिबेंचर अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। यहां पर आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को शो नहीं करना है। अब हम बनाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। सो ऑन द डेट ऑफ इश्यू, दैट इज 1 अप्रैल 2018, फाइन, और बाय लॉस ऑन इश्यू, इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स। कितना था? 10,000 डिबेंचर्स हैं और प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपीज पर डिबेंचर, मतलब 50,000 रुपीज। फाइन, ये साल का पहला दिन, लेकिन रिडम्पशन तो 2,000 डिबेंचर्स का हो रहा है ना, और वो कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। सो हम यहां पर लिखेंगे टू टू बैंक, या यहां डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं, है ना। सो 2,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज जो है वो रिडीम हो गया, तो यहां से पेमेंट हो गया। नाउ ऑन द सेम डेट बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? टू बैलेंस क्लोज डाउन बच गया 40,000 रुपीज का। ये हुआ फर्स्ट ईयर। अब इसे हम 1/4 2019 को ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 40,000 रुपीज का प्रीमियम रिडम्पशन का अभी भी बचा है। नाउ ऑन 31 मार्च 2020, फाइन, अगेन हम रिडीम कर रहे हैं, तो रिडीम में बैंक लिखिए या उसे पहले डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दीजिए। 5,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 25,000 रुपीज यहां से लेस हो जाएगा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया गया और उस दिन बैलेंस अमाउंट बच गया 15,000 रुपीज का। यह हुआ सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए हम ब्रॉड डाउन करेंगे अमाउंट ऑन 1/4 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, और 31 मार्च 2021 को बचा कुचा भी कंपनी ने रिडीम कर दिया, तो आप उसे टू बैंक लिखिए या डिबेंचर होल्डर लिखिए। रिमेनिंग 3,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के हिसाब से 15,000 रुपीज यहाँ भी यूज हो गया। सो एज अ रिजल्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया फाइनली। सो दिस वे द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना और समझा है। इसके बावजूद भी कुछ डाउट है, देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। And if you have not yet, then please do like it, subscribe it, and share it with your friends. Thank you so much for watching the video.